Hi guys, this is Shahzadur Rasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to create hand draw audio spectrum visualizer in Adobe After Effects like this. So we are in Adobe After Effects. As usual, first of all, I am creating new composition and the name is main composition. 1920 by 1080, 30 frames per second and 1 minute duration. Okay. Right click करेंगे new and एक new solid बनाएंगे. Control Y press कर सकते हैं आप अपने keyboard से. Name BG, same settings, color pure white. BG layer पर हम fill apply करेंगे effect and preset से. And fill में color like this. White से थोड़ा grey की तरफ like this. Okay. उसके बाद प्रोजेक्ट पैनल में एसेट का फोल्डर ओपन करना है आपने और थीम बीएनजी का एक इमेज है एसेट्स और ये फाइल डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट लिंक का डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे एडजस्टमेंट लेयर का नेम मैं यहाँ पर सीसी कर रहा हूँ और इस पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से टिंट अप्लाई करेंगे ओके उसके बाद राइट क्लिक करना है या कंट्रोल वाई से आपने एक और न्यू सॉलिड बनाना है नेम स्पेक्ट्रम 1920x1080 के साथ कलर प्योर ब्लैक एंड देन ओके स्पेक्ट्रम लेयर को सिलेक्टेड रहने देंगे और हम एलिप्स टूल लेंगे सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड कर लेना है आपका सर्कल जो है परफेक्ट क्रिएट होगा लाइक दिस ओके उसके बाद स्पेक्ट्रम सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट एंड प्रीसेट से ऑडियो स्पेक्ट्रम अप्लाई करना है उसके बाद एक और न्यू कंपोजिशन बनाएंगे इस टाइम पे नेम ऑडियो सेम सेटिंग्स के साथ ड्यूरेशन आपका सेम होना चाहिए कम से कम एंड देन ओके ऑडियो कंपोजिशन में आप अपना म्यूजिक ड्रॉप करेंगे और उसको सेट कर लेना है आपने जहाँ से वो स्टार्ट हो जैसे भी आप उसको सेट करना चाहते हैं मेन कंपोजिशन में आएंगे और ऑडियो कंपोजिशन को स्पेक्ट्रम लेयर के नीचे ड्रॉप करेंगे स्पेक्ट्रम लेयर को सिलेक्ट करना है इफेक्ट कंट्रोल्स में आना है सबसे पहले वो हमसे ऑडियो लेयर मांग रहा है तो हम उसमें ऑडियो लेयर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पाथ तो पाथ यहाँ पे मास्क 1 आ जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1100 फ्रीक्वेंसी बैंड्स 150 मैक्सिमम हाइट 800 ऑडियो ड्यूरेशन मिली सेकेंड 50 एंड थिकनेस 40% एंड कलर में आपने ये वाला कलर लेना है सेकंड भी यही वाला कलर पिकर के साथ आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर एनालॉग डॉट्स सिलेक्ट करेंगे और साइड ए इसी स्पेक्ट्रम लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाना है स्टार्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 कर देंगे एंड फ्रीक्वेंसी 500 मैक्सिमम हाइट 300 ऑडियो ड्यूरेशन 90 एंड थिकनेस 2 और साइड यहाँ पर आपने ए एंड बी कर देना है अगेन स्पेक्ट्रम लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है टाइम पे अगेन स्टार्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 एंड फ्रीक्वेंसी 1100 मैक्सिमम हाइट 500 थिकनेस 2.50 और डिस्प्ले ऑप्शन डिजिटल साथ साथ लेयर्स का आप नेम जो है वो चेंज करते जाए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे लास्ट वाले लेयर को एंड इस टाइम पे स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 600 मैक्सिमम हाइट 300 एंड एनालॉग डॉट्स और साइड ए गेन वन मोर डुप्लीकेट एंड इस टाइम पे एंड फ्रीक्वेंसी 800 मैक्सिमम हाइट 600 एंड थिकनेस 3 साइड यहां से बी कर देंगे उसके बाद अगेन वन मोर डुप्लीकेट एंड इस टाइम पे स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 20 एंड फ्रीक्वेंसी 800 थिकनेस 4 ओके वन मोर डुप्लीकेट एंड फ्रीक्वेंसी 1100 और एनालॉग लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है ओके सो अभी प्ले करके देखते हैं ओके इट्स परफेक्ट स्पेक्ट्रम के सभी लेयर को सिलेक्ट करना है साथ ऑडियो कंपोजिशन लेयर को सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करना है या राइट क्लिक करके आप प्री कंपोज कर सकते हैं और यहाँ पर कंपोजिशन का नाम मैं स्पेक्ट्रम्स लिख रहा हूँ मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है सिंपली टेक्स्ट टूल लेंगे और सेंटर में क्लिक करेंगे टेक्स्ट लेयर को एक्सपेंड करना है टेक्स्ट को एक्सपेंड करना है सोर्स टेक्स्ट के साथ स्टॉप वॉच के आइकॉन पर क्लिक करना है आल्ट को प्रेस करके होल्ड करके एंड देन स्क्रिप्ट विंडो में ये स्क्रिप्ट आपने पेस्ट करना है कॉपी करके स्क्रिप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से ले सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट आपने सिलेक्ट करना है ब्रेकिंग मैड फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉन्ट का साइज 150 एंकर पॉइंट सेंटर करेंगे और अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर कर लेंगे टेक्स्ट लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे और फिल में हम वही कलर देंगे जो हमने स्पेक्ट्रम में दिया था आई थिंक ये थोड़ा डार्क है इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं कलर को ओके अभी जैसे जैसे ये स्पेक्ट्रम चलेगा ये उसके साथ साथ टाइम भी चलेगा और लेयर का नेम मैं टाइम लिख रहा हूँ ओके
ओके अभी हम पार्टिकल बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करना है। कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड से, लेयर का नेम पार्टिकल, कलर प्योर ब्लैक एंड देन ओके। और इस ब्लैक लेयर पर हम इफेक्ट एंड प्रीसेट से सीसी पार्टिकल वर्ल्ड अप्लाई करेंगे, लंगटिविटी आप 3 कर देंगे। इसके बाद प्रोड्यूसर ओपन करना है, रेडियस एक्स एंड वाई आपने 0.120 कर देना, क्लोज करेंगे। उसके बाद फिजिक्स ओपन करेंगे, यहाँ पर आपकी सेटिंग्स डिफॉल्ट यही होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव वेलोसिटी 1 वगैरह वगैरह। और ग्रेविटी यहाँ पर आपने 0.00 कर देना, रेजिस्टेंस 8.0। फिजिक्स को क्लोज करेंगे एंड पार्टिकल को ओपन करेंगे। इस टाइम पे पार्टिकल टाइप टेक्सचर डिस्क टेक्सचर को ओपन करना है, और यहाँ पर हमने इसको लेयर देना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट पैनल ओपन करेंगे, एसेट के फोल्डर से पार्टिकल का पीएनजी इमेज उसको ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, कहीं भी इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर लें आप। पार्टिकल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में आएंगे और टेक्सचर लेयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पार्टिकल पीएनजी, मैक्स ओपेसिटी 90, बर्थ कलर ये कोड नोट कर लें आप, और डेथ कलर भी सेम यही होगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड लेयर बनाएंगे, इस टाइम पे नेम पार्टिकल मास्क। पार्टिकल मास्क को पार्टिकल लेयर के ऊपर आपने रखना है। लिप्स टूल लेंगे और सेंटर पॉइंट से एक मास्क क्रिएट करना शुरू करेंगे लाइक दिस। स्पेक्ट्रम के साइज का मास्क बनाना है आपने, और पार्टिकल लेयर का ट्रैक मैट अल्फा इन्वर्टेड मैट कर देना है। ट्रैक मैट का ऑप्शन अगर नजर नहीं आ रहा तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। पार्टिकल पार्टिकल मास्क एंड पार्टिकल पीएनजी तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और प्री कंपोज कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड से। कंपोजिशन का नेम मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूं, मूव ऑल एट्रिब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। उसके बाद सिंपली टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, यहां पे नेम लिखेंगे सॉन्ग, यहां पे सॉन्ग नेम आएगा, मैं सिंपली म्यूजिक लिख रहा हूं, एंड आर्टिस्ट आप अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की आप टेक्स्ट सेटिंग यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने सेम यूज करना हो फॉन्ट लिंक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। फिल अप्लाई करेंगे, फिल अप्लाई करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट से, एंड फिल में कलर सेम वही जो हमने पहले यूज किया है। सो गाइज आई होप आपको हैंड ड्रॉ ऑडियो स्पेक्ट्रम विजुअलाइजर जो है वो पसंद आया होगा। फाइल डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए सेकेंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में। स्क्रिप्ट भी आपको फाइल के साथ मिल जाएगा और एसेट भी जो मैंने यूज़ किए हैं, म्यूजिक नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक परचेज्ड है, मैं आपको दे नहीं सकता उसके लिए माजरत, मगर आप कोई भी सॉन्ग या म्यूजिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह निगेबान।